In a country of over a billion, जहाँ पर cricket is a religion for all of us, I think somewhere वो जुनून सब में है, right? किसी ना किसी form में लेकर for cricket, right? Either जुनून देखने का है, खेलने का है, या अब आजकल you know to do all these online games and fantasy gaming and all, उसका भी एक बहुत ही अलग तरह का जुनून है, right? But जब आप खेल रहे हो तो यू नो वॉट इज गोइंग ऑन योर हेड, यू आर रियली लाइक एवरीबडी, सब हर कोई पैशनेट होता है क्रिकेट खेलने के लिए. वेन यू आर लाइक 10 एंड 12, आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज यंग स्पेशली बॉयज वॉन्ट, दे ऑल वॉन्ट टू, दे ऑल ड्रीम ऑफ यू नो प्लेइंग फॉर द कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट. बट वो हाउ डू यू हैंडल दैट जुनून, एंड आई एम आस्किंग दिस बिकॉज देयर आर सो मेनी यंग बॉयज हु ऑल ड्रीम ऑफ गोइंग इन टू क्रिकेट एंड यू नो प्लेइंग फॉर द कंट्री, बट रियालिटी कई बार बहुत डिफरेंट होती है. नहीं, यू राइट अंशु, की जुनून सब में है, पर एक स्टेज आता है जब आपके जुनून से आपको पता चलता है कि आप इसमें आगे बढ़ पाओगे नहीं बढ़ पाओगे. वो हर बच्चे के लाइफ में या हर इंसान के लाइफ में, किसी भी फील्ड में जब वो कुछ करता है उसको पसंद है, बट जब पता चलता है कि नहीं इससे मेरा आगे कुछ नहीं हो सकता, देन वो ही टेक्स अनदर स्टेप कि आगे क्या करना है. मेरे ख्याल से बच्चों से ज्यादा आज की डेट में माँ बाप में ज्यादा जुनून है कि मेरा बच्चा क्रिकेट खेले. बच्चे को तो शायद, बच्चा तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए खेल रहा है, बट माँ बाप उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें डाल देते हैं बिकॉज उनका दिमाग मैच्योर है. सो इसलिए लगता है कि हर क्रिकेट को खेलना चाहिए. बट आई थिंक जुनून जब होता है, आप किसी भी चीज पैशनेट हो, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप बचपन से शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद चलता है और उसमें आप क्रिएटिविटी ऐड करते जाते हो. सेम मैं बिलीव करता हूँ कि हम लोग ने जब शुरू किया था तो शौक के लिए शुरू किया था, तब इतना दिमाग नहीं था कि आगे क्या हो सकता है, और आप खेलते थे बिकॉज मजा आता था. और जब खेलते खेलते आप जब डिफरेंट सिचुएशंस गेम में होती है, अपने आप आपका दिमाग चलने लगता है और आप एंजॉय कर रहे हो, तो वो प्रेशर की तरह नहीं आ रहा कि अच्छा मेरे को छक्का पड़ गया तो आप ये तो गलत है यार, मुझे कुछ करना चाहिए. आप गेम एंजॉय कर रहे हो कि आपको पता है कि आपको बताया गया कि छक्का भी पड़ेगा, कोई आउट भी होगा, रन बनेंगे, तभी तो 100, अगर 50 ओवर खेल रहे हो तो 300 रन इसलिए तो बनते हैं कि आपको छक्का पड़ता है और एट ए टाइम आपको विकेट भी मिलती है. तो वो आप जब खेलते खेलते आपको सब समझ में आता है और दिमाग अपने आप चलता है. जब आपको कोई चीज पसंद है, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलने लगता है कि मैं इसमें बेटर कैसे हो जाऊंगा. एंड जो बात रही कि सब खेलना चाहते हैं, मैं भी बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, बट मेरे में वो है नहीं, बट आई नो दैट ये नहीं है, मेरे में गेम का वो है. सो वो सबको रियलाइजेशन आता है एक टाइम पे कि मेरे लिए क्या सही है. कई लोग होते हैं फॉर्चुनेट है जिनको जो पैशन है उसी में करियर बनता है, कई लोग फॉर्चुनेट नहीं है बट दे फाइंड देयर पाथ कि मेरे लिए क्या पाथ है, और साथ में जुनून जारी रखते हैं कि क्रिकेट चलो शाम को जब टाइम मिलेगा तब खेलेंगे, या अभी संडे सैटरडे संडे खेलेंगे, और अभी तक खेलते हैं. मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो 50+ है, लॉयर है, कोई कुछ है, अपना काम करते हैं बट सैटरडे संडे को आज भी क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि बचपन से खेलते आ रहे हैं. सो जो जुनून एक चीज है और आपका करियर एक चीज है, और लोगों के लिए वो डिफरेंट होता है कि किसी को अपने जुनून या जो पैशन और जो चीज पसंद है उसी में करियर बन जाता है. कई लोग ऐसे रियलाइज करते हैं सही टाइम पे, या तो खुद या विद सपोर्ट सिस्टम अराउंड, पेरेंट्स हो गए, सराउंडिंग हो गए, दोस्त लोग हो गए, और वो दूसरा रास्ता भी उनको मिल जाता है. बट वो जुनून जरूर रहता है, जो चीज आपको बचपन से पसंद है वो आप जिंदगी भर करते हैं.